हेलो एवरीवन। सो लास्ट जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें जीव द्रव्य मंचन की बात की थी, प्लाज्मोलाइसिस की अपन ने बात की, और उसी टॉपिक में एनसीईआरटी आप लोग देखेंगे तो ओवरऑल अपने को तीन प्रश्न वहां पर पूछे गए। पहला प्रश्न ये है कि जो किसी भी कोशिका को अगर आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है या वो जो कोशिका है वो किस प्रकार की है, वो आपके पास है प्लाज्मोलाइज या जीव द्रव्य मंचन जिसमें हो रखा है, तो उसमें जो कोशिका झिल्ली और जो कोशिका भित्ति है उसके बीच में जो स्पेस है, क्योंकि यहां से जल बाहर निकल चुका है, कोशिका झिल्ली संकुचित यहां पर हो चुकी है, जल बाहर निकल चुका है, तो जो इन दोनों के बीच में स्पेस है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में, उसमें क्या होगा? उसका जवाब होगा, इसके बीच में जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन या अति पराशरी जो विलयन है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कोशिका भित्ति की बात करें इसमें छोटे छोटे जो स्पेस है वहां से क्या होगा, जो बाहर का जो विलयन है वो अंदर की ओर यहां पर एंटर होगा, ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं जाएगा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहीं तक वो रहेगा, तो ये आपके पास रहेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि जो फ्लेसिड सेल है या जो ढीली कोशिका है उसमें साई पी जो है या प्रेशर पोटेंशियल की जो अपन बात कर रहे हैं वो कितना होगा, तो आपका जवाब यहां पर आएगा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ओवरऑल देखा जाए तो मूवमेंट की बात करें वो क्या है, बराबर, नेट मूवमेंट यहां पर बराबर है। इस केस में जो साइन पी है और जो साइन डब्ल्यू है वो क्या होता है, एक दूसरे के इज इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल यहां पर होते हैं, तो इक्वल होंगे तो उस केस में क्या हुआ, यहां पर ओवरऑल जो होगा वो साइन पी जीरो यहां पर हो जाएगा। और तीसरे प्रश्न में यह पूछा गया है कि पादप के अलावा ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोशिका भित्ति मिलती है, तो इसका जवाब आपको आना चाहिए। जैसे अपन बात करें मोनेरा किंगडम की बात करें, मोनेरा जगत की बात करें, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर मिलती है कोशिका भित्ति, कवक की बात करें, फंगस की बात करें जिसमें काइटिन से बनी हुई मिलती है, तो ये कुछ किंगडम है जिसके अंदर कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। सो उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया है, हेल्प आपको मिली है यहां से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।